खबर रीवा जिले से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को प्रदेश के विकास के रोड मैप पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने इस वर्ष कई क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। हर विभाग उपलब्धियों की लघु फिल्म बनाकर उसे जन जन तक पहुंचाए। इन्वेस्टर्स मीट तथा G20 बैठकों में भी प्रदेश की उपलब्धियों की तस्वीर प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रदेश भर में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। इसमें शहर और गांव दोनों शामिल होंगे। इन यात्राओं में विकास कार्यों के शिलान्यास तथा लोकार्पण होंगे। इस वर्ष 15 अगस्त तक 1,14,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिले में 3 चुने हुए क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस में विशेष अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 फरवरी को संत रविदास जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में 83 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस वर्ष 6 से 30 अप्रैल तक पुनः जन सेवा अभियान चलाया जाएगा। इसमें कुछ नई योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। इस वर्ष हवाई जहाज से तीर्थयात्रा, कूनो चीता प्रोजेक्ट तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा होगी। कमिश्नर और कलेक्टर जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल प्रगति पथ निर्माण, आयुष्मान योजना, स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज, संबल योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन की विशेष निगरानी करें। नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के विरुद्ध अभियान में अच्छी सफलता मिली है। इनके कब्जे से 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इनमें गरीबों के घर बनाए जाएंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी कई योजनाओं का कार्य पूरा हुआ। 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। गरीबों के लिए 38 लाख मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। जो काम बेहतर हो रहा है उसे बेहतर दिखाए भी। सरकार के 3 वर्ष 23 मार्च को पूरे होंगे। इस अवसर का उपयोग भी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए करें। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कैलेंडर तथा डिजिटल डायरी का विमोचन किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नर कार्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से कमिश्नर अनिल सुचारी, ADGP KP वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्पा, अपर कमिश्नर छोटे सिंह, DIG मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, संयुक्त आयुक्त नीलेश परीख, उपायुक्त अशोक ओहरी, उपसंचालक सतीश निगम उपस्थित रहे।